बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। PSC द प्लैनेट ऑफ हेयर क्लोनिंग चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको कॉटन टेप में दिखाएंगे, ये टेप पिघलती नहीं है, आपको कॉस्ट भी इफेक्टिव लगती है, वॉकर की आती है जर्मन लाइनर में, और इसको अभी सेल्फ में आपको बताएंगे कैसे आपको टेप बदलना है। सीज़र आप ले लीजिए और सीज़र उसको एजिस को आप काट दीजिए। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी भी टेप्स आपको बताएंगे जिसमें आपको काटने का झंझट ना हो। अब जैसे कोरोना काल में सब लोग बड़े परेशान हैं, तो एक वीडियो हमने पहले भी बनाई थी जिसमें वॉशिंग वगैरह भी दिखाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि पैच को कैसे क्लीन किया जाता है और वॉश कैसे किया जाता है। इसमें हम आपको आज कॉटन टेप बता रहे हैं जिसको आप अपना 2-4 दिन में खुद बदल सकते हैं, और इसको आप आराम से लगाइए उसके एजिस के हिसाब से। पहले शैम्पू जरूर कर लीजिए उसको, और अगर वो आपको वीडियो नहीं है तो नीचे लिंक दिया गया है, उसको वीडियो को आप देख सकते हैं कैसे उसको वॉश किया जाता है पैच को और कैसे उसको क्लीन अप किया जाता है। इस पर आप एजिस पे टेप लगाइए कॉटन वाली, ये पिघलती नहीं है और थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव रहती है। तो टेप वॉकर की कई तरीके की आती है, जैसा आप चाहते हो वैसे आप ले सकते हैं इस पर, और बहुत रिलैक्स होकर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आप जितना जल्दी करेंगे उतनी ही आपके लिए प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगी कि भाई उसको आप प्रॉपर अगर क्लीन नहीं हुआ, ग्लू साफ़ नहीं हुआ, टेप प्रॉपर नहीं लगा, आगे का वाइट दिखता है, तो बाकी 2-4 बार ही करेंगे आपको है। बाकी हमारे नंबर भी है नीचे, अगर आपको कहीं से भी आपने पीस लगाया हुआ है कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कॉल अस, उसमें हम आपकी कोई भी हेल्प होगी बिल्कुल करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है पैच आपने हमारे से ही लिया हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप यू कैन कॉल बिटवीन 11 से 6 या व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी अपनी डाल सकते हैं। कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है इसको बहुत इजीली आप लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं, प्रेसिंग जरूर कीजिएगा, नहीं तो होगा क्या, टेप एक जगह रह जाएगी, सेकंड जगह नहीं आ पाएगी, और बहुत आराम से रिलैक्स होकर आप लगाइए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। और अगर एज थोड़ा फालतू आ जाए तो उसको सीजर से साफ कर लीजिए। और एक मार्कर जरूर रखिए जिस पर आप फ्रंट और बैक लिख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि पैच उल्टा ना लगा ले। और अगर आपको लगता है कि भाई आपको नहीं पता चल रहा है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, हम बता देंगे उसको आप पहचान कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस आराम से इसको लगा के प्रेस कर लीजिए, एक बार एजिस सारा चेक कर लीजिए और मार्कर से फ्रंट और बैक लिखिए और ईजली होके लगा के उसको अपना लुक को सेट कर लीजिए। ड्रायर नहीं है, ड्रायर से आप लुक कोई भी वेरी कर सकते हैं, पर गर्म ड्रायर नहीं लगाइए अदरवाइज बाल रफ हो जाएंगे, तो ठंडे ड्रायर से कर सकते हैं। नहीं भी है तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, लुक ऑलरेडी पीस में कटिंग आपने जहाँ से भी कराई है तो उसको आप 5-10 मिनट लुक छोड़ के और उसको मतलब पंखे के नीचे बैठेंगे वो ऑटोमेटिक सेट भी हो जाएगी। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको ड्रायर प्रोफेशनली आपके पास नहीं है तो, क्योंकि वो तो पफ लुक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बस आप अपना लगा के अब फ्रंट बैक आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल। सारे में पहले आप पूरा एजिस चेक कर लीजिए कि कहीं बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके, कोई जल्दबाजी, जितना जल्दी करेंगे लुक में उतनी ही प्रॉब्लम आएगी। फ्रंट बैक आप लिख लीजिए, एफ लिख दिया और बी लिख दिया और बस ईजली आप जहाँ से आपका अपना जहाँ से आपने एज है 4 फिंगर अपना आगे नापी और आराम से उसको रिलैक्स होके पहले आप टेप हटा लीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बहुत रिलैक्स होके, ताकि दोबारा टेप ना लगानी पड़े, कॉस्ट भी जाए और आपका टाइम भी ख़राब हो, इसलिए रिलैक्स होके पहले देखिए। इसका मतलब एज से अगर प्रॉपर चिपका नहीं है, अगर आप उसको हटा रहे हैं, क्योंकि टेप्स क्या रहती है, एडहेसिव अच्छा होता है तो कई बार रैपर नहीं खुल पाता है क्योंकि रैपर पतला होता है इसका, और थोड़ा नेल का भी रहता है इशू कि भाई नेल आपका बड़ा ना हो। बाकी जैसे अपना मार्क कर लीजिए जहाँ से आपने लगाना है और बस आराम से इसके टेप का ऊपर का रैपर हटाइए। आराम से रिलैक्स होकर आप हटाइए।
और इसको आराम से रिलैक्स होकर आपने पूरा हटा दिया है। अब बी आप देखिए पीछे है, फ्रंट आपका आगे है, और बहुत आराम से खींचते हुए निकालिए। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, बहुत लूज भी नहीं करना है, हल्के मीडियम हाथ से प्रेसिंग। और प्रेसिंग करते हुए बहुत प्यार से आप कीजिए। और बस अब उसके बाद पानी थोड़ा सा, अगर आपके पास इसमें स्प्रे नहीं है तो आप हाथों से भी कर सकते हो। और बस आप पानी से उसको करके स्प्रे और अपना लुक सेट कर लीजिए। और आपका अगर आपके पास ड्रायर या स्प्रे नहीं है तो आप गीले हाथों से भी कर सकते हैं, अदरवाइज ड्रायर नहीं है तो उसको आप लुक सेट करके पंखे के नीचे बैठ जाइए। और ये आप देख सकते हैं बाल सारा खिला हुआ है, और अपना लुक आप सेट कीजिए जैसी भी मांग वगैरह जो भी है। और कोई भी क्वेरी है आपको लगता है 11 बजे से 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, किसी को कोई इशू आ रहा है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब होवर चैनल, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कुछ आपको लगता है कि कुछ दिक्कतें हैं तो आप उसमें हमें बताइए ताकि हम उसको अगली बारी करेक्ट कर पाए। ये आपने मांग निकाला और अपना एक लुक आप आराम से सेट कर सकते हैं। और ये लुक आप देख सकते हैं, चाहे तो आप सीरम लगा लीजिए, अदरवाइज जैसे पफी लुक रखते हैं तो ये सीरम यूज़ नहीं करते हैं, और आप चाहो तो हल्का सा सीरम यूज़ कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल, और अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बटन दबाइए। और इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।